चन चन कोंग की बोट देखने के बाद अब मैं जा रहा हूँ माचू गार्ड का स्टैचू देखने के लिए। ये इस पेड़ की नेचुरल शेप है, एक्चुअली ये एक पेड़ नहीं है, कई सारे पेड़ है ये ना नीचे। और ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, ये जो बबल्स आप उड़ते हुए देख रहे हो ये वही झाग से बना बना के उड़ा रहे हैं ये, और कुछ पतंग उड़ा रहे हैं इधर से। ये देखिए ये गुड़िया, इसकी पतंग नहीं उड़ रही। जी दोस्तों, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो इसका नाम है माचू गार्ड। ये एक लेडी थी, 28 साल की थी, और जब ये यहाँ पे रहती थी तो इन्होंने वही ओशन के अंदर 5 लोग डूब रहे थे, उनकी जान बचाई थी। तो उसके बाद जान बचाने के बाद लोगों की जान बचा दी, मगर खुद को ये नहीं बचा पाई तो खुद एक्सपायर हो गई थी। तो तब से लोग इन्हें माचू गार्ड कहते हैं, और इस पार्क का नाम है लिन मोलियांग न्यांग पार्क। और जब 28 साल के थे तो ये फ्यूचर काउंट करती थी लोगों का ना, तो अब लोगों ने इसकी याद में, इसकी मेमोरी के अंदर स्टैचू बना दिया है। और लोगों का मानना है कि जो ओशन के अंदर टाइफून आते हैं, टाइफून से हमारी प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करती है, ऐसा इंडिया के अंदर भी बहुत सारी स्टोरी है। तो ये छोटी सी स्टोरी थी, और अभी आपको फिर से दिखाता हूँ मैं माचू लेडी गार्ड। दोस्तों, तो आज शनिवार है, शनिवार होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और यहाँ पे लोग है ना पतंग उड़ा रहे हैं। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ये सारा पतंगों की दुकान है ये, तो यहीं पे पतंग उड़ाओ, पतंग खरीदो, पतंग उड़ाओ, कुछ का भी यही मिलता है, मांझा भी यही मिलता है, धागा। और आप देख रहे होंगे आसमान के अंदर ये कितनी सारी पतंगें उड़ रही है, कोई ड्रैगन की है, कोई कार्टून्स की है, पिकाचो की है, डोरेमोन की है, बैटमैन की है, स्पाइडरमैन की है। तो कुल मिला के आज इतना ही, और मेरे पीछे सारा ओशन है, यहाँ से ना बीच नहीं है मगर सारा यहाँ से मतलब बोटिंग का है यहाँ पे सिस्टम लोग, और यहाँ से ये सारा ये आगे जाके चाइना के अंदर मिल जाता है ये।
ये ब्लू कलर में, ये है ऑक्टोपस काइट। इसके ऊपर ये येलो कलर में, रेड और येलो कलर में, ये है पिकाचो काइट। और वो शायद ब्लैक कलर में, ये है बैटमैन। और ये स्काई ब्लू कलर में, ये है डोरेमोन। वो किसी के कपड़े की तरह उड़ रहे हैं ग्रीन कलर में। ये दिखाता हूँ क्लोजअप करके ना आप लोगों को, ये टी शर्ट और स्कर्ट टाइप से। ये देखिए ग्रुप में यहाँ पे ये कितने सारे। और भी सारे हैं, ये देखो मेरे लेफ्ट साइड में इस लेडी गार्ड, माचू गार्ड के पीछे कितनी सारी काइट है, करीब करीब 50 होगी, 50 प्लस। और इस साइड में हो रहा है सनसेट, बहुत ही जल्दी सूरज डूबने वाला है करीब और 20-25 मिनट में। यहाँ से देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ये मैं चला गया था इनके साथ और थोड़ा सा फिशिंग कर रहा था इनके साथ ना, मगर छोटी छोटी फिश है, कुछ मिलने को है नहीं इसमें। ये जो बोट जा रही है ये फॉर टूरिस्ट के लिए है। यहाँ पे इनका छोटा सा सर्कल लगेगा, मतलब एक चक्कर लगा के आएंगे छोटा सा ना। ये ताइवान फ्लैग लगा हुआ है। ये जो दूसरी बोट आ गई है ये शायद फिशिंग के लिए जा रही है। ये एक और बोट आ गई, ये माँ बेटे साइकिलिंग करते हुए। ये देखिए ये बच्चे की जो साइकिल है इसमें पैडल नहीं है, पैर से ही चलाएगा इसको ना। ये रुक गया, ब्रेक पैर से ही लगते हैं इसके। ये देखिए सो क्यूट, ये ब्लैक कलर में, ये शार्क फिश, इसके पीछे पांडा काइट, ये है डोरेमोन, और ये पता नहीं क्या है। ये है एरोप्लेन की जहाज, नट जहाज, एरोप्लेन वाली काइट, सुपरमैन, ये डॉगी, और ये शायद यहाँ पे पूरी एक है ना, ये छोटी सी मार्केट लगी हुई है। तो जो भी किसी को कुछ खाना पीना है तो भाई आप पिकनिक मनाने आए हो, घर से भी लेके आए हो और यहाँ पे भी खा पी सकते हो।